इधर योगी ने दिया 1000 बुलडोजर को तैयार रहने का आदेश। उधर मोदी के सामने मंदिर ने टेके घुटने, योगी ने मौलानाओं को हिला दिया। योगी से पंगा लेना पड़ गया, मौलानाओं को भारी, मजारों पर भी बुलडोजर वाला आदेश जारी। योगी बोलते रहे, मौलाना सुनते रहे। योगी का भौकाल देखकर दुनिया रह गई दंग। योगी के फरमान से ओवैसी भी सन्न, क्या 2024 से पहले सभी मदरसे टूट जाएंगे। इधर जैसे ही योगी आदित्यनाथ को ये पता चला कि कुछ लोग उनके ही राज्य में बैठकर देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं, उन्होंने तुरंत बिना देरी किए 1000 बुलडोजर तैयार रखने का आदेश दे दिया। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा पहली बार था जब योगी ने इतना बड़ा आदेश दिया हो। योगी सरकार में अब तक माफिया और बदमाशों के घरों पर खूब बुलडोजर चला है, लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि योगी सरकार ने एक साथ 1000 बुलडोजर को तैयार रहने का आदेश दे दिया। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है, पूरी खबर की तह तक जाकर आपको सारी जानकारी देंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर तैयार रहने का आदेश क्यों देना पड़ गया। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे मौलाना बैठे हुए हैं जो न सिर्फ उत्तर प्रदेश को खत्म करना चाहते हैं, बल्कि वो देश पर भी अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं। उनका पूरा ध्यान भारत को हिंदू राष्ट्र न बनने देने पर है। इन मौलानाओं को हिंदू राष्ट्र से सबसे ज्यादा चिढ़ है, इसीलिए भारत को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। ये दावे हवा भाई नहीं है, इनकी सच्चाई जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवाल यही है कि आखिर योगी आदित्यनाथ माफिया और गुंडों पर जिस तरह की कार्रवाई करते हैं, उसको देखने के बाद भी क्या इन मौलानाओं में डर पैदा नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार पर मुसलमानों के साथ भेदभाव करने के आरोप विपक्ष लगाता रहा है। दावे यहाँ तक किए गए हैं कि मुसलमानों को योगी सरकार जानबूझकर टारगेट कर रही है, लेकिन ऐसा सच में नहीं है, बल्कि हालात ही ऐसे बन जाते हैं कि योगी सरकार को मुसलमानों के खिलाफ कड़ा एक्शन लेना पड़ जाता है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार कर रहे हैं, जबकि उनके ही बयानों को योगी आदित्यनाथ समर्थन दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाना बीजेपी के भी एजेंडे में शामिल है, लेकिन योगी के राज में ही कुछ लोग भारत को इस्लामिक देश बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब नए खुलासे से हड़कंप मच गया है। जब योगी आदित्यनाथ ने हजारों मदरसों के सर्वे का आदेश दिया था, तब असदुद्दीन ओवैसी बुरी तरह से भड़क गए थे। ओवैसी ने मदरसों को मुसलमानों का किला बता दिया था, लेकिन अब मदरसों की सर्वे रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ के टेबल पर पहुंच गई है, जिसे देखने के बाद योगी भी हैरान रह गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर अवैध मदरसों को मुस्लिम देशों से पैसे मिल रहे थे, जिसका सीधा सा मतलब हुआ कि उत्तर प्रदेश के कई गैर मान्यता प्राप्त मदरसे विदेश से पैसे लेकर अपना काम चला रहे थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर विदेश का कोई देश क्यों मदरसों का समर्थन करेगा। तो इसका सीधा सा जवाब है कि शरीयत कानून को इन मदरसों के जरिए बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा था, साथ ही युवाओं को बरगलाने की भी कोशिश की जा रही थी। मीडिया रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया कि मदरसों से जुड़े टीचर कुछ दहशतगर्दी के साथ भी मिले हुए थे। ऐसी ही खबरें असम में भी सामने आ चुकी हैं, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने कई मदरसों को तोड़ाकर बहुत बड़ी कार्रवाई कर डाली। उसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ सरकार भी मदरसों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। जो मदरसे अवैध रूप से चलाए जा रहे थे, साथ ही उन्हें विदेश से गलत तरीके से फंडिंग की जा रही थी, उन पर अब शिकंजा कसा गया है और उन्हें बहुत जल्द तोड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, प्रदेश में जितने भी अवैध मजारे हैं, उन पर भी बाबा का बुलडोजर चलना तय है। इससे पहले उत्तराखंड में भी अवैध मजारों पर जमकर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि योगी आदित्यनाथ देश को तोड़ने की साजिश रचने वाले मदरसों के संचालकों पर क्या एक्शन लेंगे। वैसे आपका क्या मानना है, क्या इन पर देशद्रोह का कानून लगना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।